सेना दिवस के मौके पर आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने अपनी स्पीच में पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए जो कहा, उसे पाक के भी होश उड़ गए होंगे। दरअसल लगातार सीमा पर आतंकवाद फैला रहे पाकिस्तान को भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने चेतावनी दी है। आर्मी चीफ ने सीधे तौर पर पाकिस्तान से बोला है कि अगर सीमा पार से घुसपैठ नहीं रुकी तो भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ मुंह तोड़ कार्रवाई करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को लगातार बढ़ावा दे रहा है, लेकिन हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। किसी तरह की संदेश नहीं है कि इन गतिविधियों के पीछे हमारे पड़ोसी देश का हाथ है, जो न केवल आतंकवादी तंजीम को शरण देता है बल्कि आतंकवादियों को प्रशिक्षण और हथियार भी देता आ रहा है, जिसे दुनिया स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की परिभाषा में शामिल कर चुकी है। सेना दिवस पर आर्मी चीफ जनरल रावत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय सेना LOC पर मजबूती से दुश्मन को जवाब देती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि दुश्मन की नापाक हरकतों पर किसी भी कार्रवाई से हम पीछे नहीं हटेंगे। नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पूरी सक्रियता और मजबूती के साथ हमारी सेना ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिस कारण उनको जान और माल दोनों का भारी नुकसान होता आ रहा है। हम दुश्मन को चेतावनी देते हैं कि किसी भी प्रकार की शत्रुपूर्ण कार्रवाई पर हम भारी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएंगे। हमारे पश्चिमी पड़ोसी देश दोस्ती की आड़ में आतंकवादियों को लगातार शरण दे रहे पाकिस्तान को ये चेतावनी कितनी समझ आती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी घिनौनी चाल चली तो भारतीय सेना पाक की धज्जियां उड़ा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।